नमस्कार दोस्तों, मैं रचित सेठ वायरल वर्सेस फैक्ट न्यूज के टेक डेस्क में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जो बन गए हैं फ्रॉम सेकंड रिचेस्ट टू रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड इसी कोरोना काल में। कौन है ये व्यक्ति और क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। Elon Musk is the mastermind and genius behind दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज टेस्ला एंड SpaceX। इन दो कंपनीज की वजह से आज Elon Musk बन गए हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी और उन्होंने पीछे छोड़ दिया है Amazon के CEO Jeff Bezos को। कल ये साउथ अफ्रीकन बॉर्न इंजीनियर की नेटवर्क 188.5 बिलियन डॉलर्स हो गई है, जो कि 1.5 बिलियन डॉलर ज़्यादा है जेफ बेजोस की नेटवर्क से। जेफ बेजोस वॉज द richest पर्सन इन द वर्ल्ड सिंस October 2017। पिछले एक साल में Elon Musk की नेटवर्थ 150 बिलियन डॉलर्स बढ़ गई है और इसका क्रेडिट टेस्ला के शेयर्स को दिया जा सकता है। टेस्ला के शेयर प्राइसेस 743% उठे ओवर द लास्ट ईयर, जो कि Elon Musk के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित हुआ। टेस्ला इज अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि फुली इलेक्ट्रिक कार्स प्रोड्यूस करती है एंड SpaceX इज अ अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी जो कि रॉकेट्स बनाती है। हमें ट्विटर पे Elon Musk के रिएक्शंस भी देखने को मिले। ही सेड हाउ स्ट्रेंज and well back to work when a person said Elon Musk is now the richest person in the world at $190 billion। अब हम बताने जा रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी Elon Musk के बारे में कुछ ऐसे facts जिसके बारे में शायद ही आपको कुछ पता हो। मस्क, जिसे हम एक स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग फिगर की तरह देखते हैं, उन्हें भी बचपन में बुलिंग झेलनी पड़ी थी। मस्क ने अपनी क्लास में सबसे जवान और छोटे लड़के थे और इसकी वजह से उन्हें पूरे स्कूल करियर में काफ़ी बुलिंग और रैगिंग झेलनी पड़ी थी। एक बार वो इस बुलिंग की वजह से हॉस्पिटलाइज भी हो चुके हैं, क्योंकि कुछ लड़कों ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया था। अपने आप को बुलिंग से बचाने के लिए उन्होंने 15 साल की उम्र में कराटे, जूडो और रेसलिंग भी सीखी और वो आज तक वो चीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। मस्क ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर कंपनी का नाम टेस्ला नहीं होता तो उसका नाम फराडे रखते, तो आज हो सकता है कि टेस्ला जैसी बड़ी नामक कंपनी फराडे के नाम से जानी जाती। दिस नेम इज़ आफ्टर द 1790 बॉर्न ब्रिटिश साइंटिस्ट माइकल फराडे, जिनका जन्म एक ऐसी जगह हुआ जिसे हम अब एलिफेंट्स एंड कैसल के नाम से जानते हैं। मस्क लेफ्ट क्वींस यूनिवर्सिटी टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, Elon ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एनर्जी फिजिक्स में भी एडमिशन ली, पर दो ही दिन बाद उसको भी छोड़ दिया ताकि वो Zip2 कॉरपोरेशन ज्वाइन कर सके। हम कह सकते हैं कि द richest पर्सन इन द वर्ल्ड भी एक कॉलेज रॉबोट है। Elon Musk ने टेस्ला की एक स्पोर्ट कार जिसका नाम टेस्ला रोडस्टर है, उसको अपने ही रॉकेट में स्पेस में भेज दिया। कहा तो ये जाता है कि Elon ने ये टेस्ट करने के लिए किया था, मगर Elon का मानना ये है कि ये सिर्फ एक मजाक है और ये उन्होंने एंटरटेनमेंट के लिए किया। इतना ही नहीं, आज वो स्पोर्ट्स कार स्पेस में सन के अराउंड ऑर्बिट कर रही है और उसको आप whereisroadster.com पे ढूंढ भी सकते हैं। हाल ही में Elon ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि टेस्ला के स्टॉक प्राइसेस बहुत हाई हैं और उनके ये अपलोड करते ही कंपनी का मार्केट प्राइस इतना नीचे गया कि उन्हें $15 बिलियन का लॉस झेलना पड़ा। इतना ही नहीं, एक बार Elon ने इंटरव्यू देते हुए वीट स्मोक किया था, जो कि एक टाइप का ड्रग है, उसकी वजह से भी टेस्ला के शेयर प्राइसेस बहुत ड्रास्टिकली नीचे गिर गए थे। खैर, जो भी हुआ Elon के साथ, Elon इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टेस्ला, हाइपरलूप, SpaceX जैसी 8 बड़ी कंपनियों के मालिक हैं और ये सारी कंपनी दुनिया में रेवोल्यूशन क्रिएट करने के लिए जानी जाती हैं। खैर, आपको हमारे Elon Musk के फैक्ट्स कैसे लगे हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए। वायरल वर्सेस फैक्ट न्यूज़ ने शुरू कर दिया है अपना एक क्विज कॉन्टेस्ट जिसमें आप घर बैठे बैठे जीत सकते हैं 21,000 तक का कैश प्राइस। इसकी पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।